सचिन पायलट जी ने लाडनू में कांग्रेस प्रत्याशी श्री मुकेश भाकर जी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री सचिन पायलट जी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी, खड़गे जी के, हम सब के उम्मीदवार मुकेश भाकर जी, आज मैं मुकेश जी के नामांकन आशीर्वाद सभा में आया हूं। इनको सहयोग देने, इनको बल देने और आप सबसे निवेदन करने कि आपके भरोसे पर कांग्रेस पार्टी ने अब दोबारा मुकेश जी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। और अभी मुकेश जी ने जो भाषण दिया कि पिछली बार जीत में थोड़ी कमी रह गई थी, 12,000 से 13,000 का मार्जिन था और इस बार 30 पार करना है, यह संकल्प आप सबको लेना है। दोस्तों, मैं मुकेश जी को लंबे अरसे से जानता हूँ। जयपुर में 2013 में हमारी पार्टी और सरकार चुनाव हार गई थी और उस समय मुझे राहुल जी ने और सोनिया जी ने कांग्रेस पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया। पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद जयपुर में जालूपुरा में रहता था और उन दिनों में मुकेश जी छात्र राजनीति में सक्रिय थे। छात्र संघ के चुनाव लड़े, फिर लोगों को चुनाव लड़ाया और वो समय था 2013 से 2018 तक का, वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, संघर्ष वाला समय था। और उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो समझते थे कि कांग्रेस सारी लोकसभा सीट हार गई है, वसुंधरा जी और बीजेपी को 163 विधायक जीत गए थे। तो कांग्रेस पार्टी के बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि सचिन जी क्यों घूमते फिरते हो, फालतू में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि पार्टी को पुनर्जीवित करना है और इसी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ सत्ताधारी पार्टी हमारी है, फिर भी अपने दामन को साफ रखा, छात्र राजनीति से ऊपर उठकर अपनी एक पहचान बनाई, एक विधायक के रूप में विधानसभा भी मैंने देखा।